हेलो गाइस, मैं आदित्य झा स्वागत करता हूँ आप सबका आपके चैनल सीए इको ज्ञान में। गाइस, आज का जो हमारा टारगेट है, एक छोटा सा रिविजनरी लेक्चर लेके आया हूँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। इसमें हम लोग सारे सेक्शंस जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में रिलेवेंट है शॉर्ट में याद करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं, ये चैलेंज है कि क्या आप इसमें कामयाब हो पा रहे हैं। तो जरा इसको फटाफट देखो और याद करने की कोशिश करो। क्लियर? तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आज का सेक्शन वाला लिस्ट। पहला, भारत का पहला काम एग्रीकल्चर। भारत का पहला काम एग्रीकल्चर, 10-1 एग्रीकल्चर, इनकम एग्जेम्प्ट। भारत की धरती से कमाया एग्जेम्प्ट, दूसरी धरती से कमाया टैक्सेबल। भारत को खतरा है 17 से, भारत को खतरा है 17 से, एमपी एमएलए एमएलसी, एमपी एमएलए एमएलसी, भारत को खतरा है 17 से, एमपी एमएलए एमएलसी वाले सेक्शंस 17, 10-17। बच्चों की बत्तीसी नहीं होती, बच्चों की बत्तीसी नहीं होती, माइनर चाइल्ड इनकम एग्जेम्प्ट। बच्चों की बत्तीसी नहीं होती, माइनर चाइल्ड इनकम एग्जेम्प्ट, अप टू 1500, अप टू 1500, अप टू 1500, माइनर चाइल्ड इनकम एग्जेम्प्ट अप टू ₹1500। शेयर्स यूटीआई भाई भाई, शेयर्स यूटीआई भाई भाई, एक है 34, दूसरा है 35, एक है 34, दूसरा है 35। गाइस, शेयर्स यूटीआई भाई भाई, एक है 34, दूसरा है 35, मतलब डिविडेंड फ्रॉम शेयर मिला एग्जेम्प्ट, इनकम फ्रॉम यूटीआई या म्यूचुअल फंड हुआ एग्जेम्प्ट। कौन सा सेक्शन? 1034, 1035। खतरा से अवार्ड मिला, 17 से अवार्ड मिला, खतरा से अवार्ड मिला तो एग्जाम, मतलब नेताओं से अवार्ड मिला, गवर्नमेंट से अवार्ड मिला एग्जाम, अदर अवार्ड मिला टैक्सेबल, अदर अवार्ड मिला तो टैक्सेबल, गवर्नमेंट और नेताओं से अवार्ड मिला तो एग्जाम। याद रहेगा 17 ए, ए फॉर अवार्ड, ए फॉर अवार्ड, खतरा से अवार्ड मिला 17, खतरा से अवार्ड मिला एग्जाम। आगे चलो, 115 बीबी, बीबी तो घोड़ी होती है, विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस टैक्सेबल, फ्लैट रेट 30%। बीबी तो घोड़ी होती है और बॉयफ्रेंड वो तो गधे होते हैं, बॉयफ्रेंड वो तो गधे होते हैं, मतलब घोड़ी वाले विनिंग को छोड़ के बाकी जो भी विनिंग्स है वो अंडर सेक्शन बी में कवर है, 115 बी, 115 बी। तो बॉयफ्रेंड कैसे होते हैं? गधे होते हैं। फ्लैट रेट 30% की रेट से टैक्सेबल, ये क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा, फ्लैट रेट 30% की रेट से। 115 बीबीडीए, 10% टैक्स ऑन डिविडेंड, बड़ा बड़ा डिविडेंड आया, बड़ा बड़ा डिविडेंड आया, मतलब 10 लाख से ऊपर का डिविडेंड आया, बड़ा बड़ा डिविडेंड आया, 10 लाख से ऊपर डिविडेंड रहेगा टैक्सेबल, कितने की रेट से? फ्लैट 10% की रेट से, फ्लैट 10% की रेट से टैक्सेबल रहेगा, बड़ा बड़ा डिविडेंड आया। उसके बाद 1015, इंटरेस्ट ऑन गणपत पी के आर सी, इंटरेस्ट ऑन गणपत पी के आर सी एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट ऑन गणपत पी के आर सी एग्जेम्प्ट, एक्सेप्ट पी और एक्सेप्ट एस, एक्सेप्ट पी और एक्सेप्ट एस, पी वाला ये रहा पीपीएफ इंटरेस्ट, 10-11, 10-11 एग्जेम्प्ट, 10-11 के अंदर, और ये रहा एस सुकन्या समृद्धि योजना वाला, 10-11 ए, 10-11 A के अंदर एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट ऑन सुकन्या समृद्धि योजना। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और गाइस इसे याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूजफुल फॉर माय ऑल बीकॉम एंड सीए फ्रेंड्स। क्लियर? तो गाइस, मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। Have a nice day, guys. Have a nice day.